guys, this is Umang Sethi and you're watching your favorite channel, Modern Day Cricket. So Modern Day Cricket's batting series चल रही है जिसमें हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक कौन कौन से बैटिंग ड्रिल्स कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं. एंड ये कोई ऐसे वैसे बैटिंग ड्रिल्स नहीं है, NCAA इंस्पायर्ड ड्रिल्स है जो कि NCAA के कोचेस के साथ बैठ कर कंसल्ट करने के बाद प्लान किया गया है. आज बेसिकली हम बात करने वाले कि फ्राइडे हमें कौन कौन से ड्रिल्स करने हैं. मंडे से लेकर थर्सडे का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया एंड उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, तो पहले उस कमेंट्स का आंसर कर देता हूं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला कमेंट वो ये है कि भैया ड्रिल्स के साथ नेट्स कब करने हैं. एंड जिस दिन नेट्स करना है उस दिन ड्रिल्स करना है क्या? जिस दिन आप नेट्स कर रहे हो उस दिन हर ड्रिल के सेट में से 10-10 बॉल कम कर दो, वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए. नंबर टू, भैया इस सीरीज में सारे शॉट्स कवर नहीं हो रहे, फ्लिप कवर नहीं हो रहा, ऑन ड्राइव कवर नहीं हो रहा है. तो जब मैं आपको फ्रंट फुट के ड्रिल्स करने बोल रहा हूँ उसी में जो बॉल लेग स्टंप की तरफ है उसमें आपको फ्लिक करना है, उसी में आपको ऑन ड्राइव भी मारना है. फ्रंट फुट ड्रिल्स में कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, फ्लिक, सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा. थर्ड कमेंट ये आ रहा है कि भैया आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक का तो बना दिया पर सैटरडे संडे क्या करना है? तो सैटरडे संडे आप अपने मैचेस के लिए रखो. अगर सैटरडे संडे आपका मैच नहीं पड़ रहा, मान लो आपका वेडनेसडे मैच पड़ रहा है, तो एक ड्रिल को वेडनेसडे वाला ड्रिल को उठाकर आप सैटरडे को कर सकते हो क्योंकि आप वेडनेसडे को मैच खेल रहे हो, संडे को एक और मैच खेल रहे हो. जनरली बोला जाता है कि वीक में कम से कम दो मैच तो खेलने ही चाहिए सो दैट आपका मैच प्रैक्टिस भी अच्छा होता रहे. एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आज का ड्रिल, आज का सेशन थोड़ा हल्का होने वाला है. ये बेसिकली इसलिए हम हल्का करने वाले क्योंकि कल सैटरडे है एंड सैटरडे हम मैच के लिए जाएंगे. सो ज्यादा बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को थका नहीं देना है क्योंकि कल मैच के लिए भी रेडी होना है आपको. तो आज एकदम लाइट प्रैक्टिस करना है. एंड जिस दिन आप मैच खेलने वाले हो उसके एक दिन पहले आप आज वाला सेशन कर सकते हो. मान लो आप थर्सडे को मैच खेलने जा रहे हो तो फ्राइडे वाला जो सेशन है ना वो आप वेडनेसडे कर लो सो दैट थर्सडे आपका बॉडी रिलैक्स रहे, बॉडी आपका फ्रेश रहे. एंड बीच बीच में रेस्ट डे भी जरूरी है. जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन मैच खेलना ही है या हर दिन ड्रिल करना ही है, आपको बीच में रेस्ट लेना भी जरूरी है. एक दिन कुछ मत करो, प्रॉपर रेस्ट लो, बाहर जाकर चिल करो सो दैट बहुत ज्यादा मोनोटोनियस ना हो जाए एंड आपका बॉडी को रिकवर करने का अच्छा टाइम मिले. ओके, एंड ऑल्सो हर दिन चाहे आप ड्रिल्स कर रहे हो या मैच खेल रहे हो या रेस्ट कर रहे हो, रोज सुबह उठकर आपको मेंटल ड्रिल्स तो करने ही करने सो दैट आपका माइंड एक सही स्टेट में रहे. एंड लास्ट थिंग, बॉल्स कौन से यूज कर रहा हूँ, कौन से गेयर्स यूज कर रहा हूँ, कोन्स वगैरह, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उसके पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना. तो फ्राइडे का जो सबसे पहला ड्रिल है वो है अंडर आर्म ड्राइव. चलिए इसका मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो. तो आपको अपने पार्टनर को आपसे 10-15 स्टेप्स दूर खड़ा कर देना है, उनसे कहना है कि अंडर आर्म बॉल फीड करे आपको, फ्लाइटेड डिलीवरी, आपको बॉल तक पहुंच कर बेंड होकर ड्राइव्स मारने हैं. इसका आपको 20 बॉल्स करना है वन सेट. तो आपने देखा कि इस ड्रिल को किस तरह करना है. हमारा जो नेक्स्ट ड्रिल है वो है अंडर आर्म बैकफुट पंच. चलिए इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूं, लेट्स गो. इसमें आप अपने पार्टनर को 8-10 स्टेप्स दूर खड़ा कर दीजिए एंड उनसे कहो कि आपको फुल टॉस बॉल फीड करने आपके कमर वाले एरिया पर, एंड ये आपको 20 टाइम्स करना है एक सेट. ये बेसिकली स्पिनर्स के अगेंस्ट बैकफुट पंच मारने में आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड जब आप बैकफुट पंच मार रहे हो मेक श्योर आप अपना ऑफ स्टंप कवर कर रहे हैं एंड मारते समय आपका बॉडी बिल्कुल साइड डाउन होना चाहिए, मतलब आपका चेस्ट ओपन नहीं होगा, आप अपना साइड पार्ट शो करोगे अपने पार्टनर को. सो आपने देखा कि इस ड्रिल को किस तरह करना है. हमारा जो नेक्स्ट ड्रिल है वो है प्लास्टिक बॉल स्विंग. चलिए इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो. सो चैंपियंस, प्लास्टिक बॉल वाले ड्रिल में आपको इस तरह से प्लास्टिक बॉल ले लेना है एंड उसके एक तरफ में इस तरह से आपको सेलो टेप या इलेक्ट्रिक टेप लगा देना है. आप जब टेप लगा देते हो तो ये वाला साइड भारी हो जाता है, फिर जब आप बॉल फेंकोगे जिस तरफ टेप रहेगा बॉल उस तरफ स्विंग करेगा. एंड बेसिकली हम प्लास्टिक बॉल से कर इसलिए रहे सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग खेलने मिले. सो चैंपियंस, इस ड्रिल में आपको अपने पार्टनर को खुद से 10-15 स्टेप्स दूर खड़ा कर देना है एंड उनको बोलना है कि बस बॉल रिलीज करने, हिट ना करने, क्योंकि अगर वो हिट करते हैं तो शॉर्ट बॉल भी आपके लिए बाउंसर जैसा बन सकता है क्योंकि प्लास्टिक बॉल बहुत ज्यादा बाउंस करता है. एंड ऑल्सो जिस तरफ आपको स्विंग खेलना है उसी तरफ आपको सेलो टेप वाला पार्ट भी रखना है एंड मेक श्योर कि वो ज्यादातर आपको ऊपर ही डालें. एंड ऑल्सो यूज अ हार्ड प्लास्टिक बॉल क्योंकि वो एक अच्छे पेस में भी आता है. एंड इस तरह से आपको 40 रिपीटेशंस करने वन सेट. तो आपने देखा कि इस ड्रिल को किस तरह करना है. हमारा जो आज का लास्ट ड्रिल है वो है स्पिन ऑन सॉइल. मतलब आपको किसी भी रफ सरफेस में किसी भी नॉर्मल सी जगह पे जहां पर ज्यादा ग्रास ना हो
क्योंकि घास में बॉल स्किड करता है। विदाउट ग्रास वाली जगह में आपको बैटिंग करनी है सो दैट बॉल ज्यादा से ज्यादा टर्न करे, सो दैट स्पिनर्स में प्रॉपरली बैटिंग करने लगो आप। चलिए इसका मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो। तो चैंपियंस इस ड्रिल में आपको अपने पार्टनर को खुद से 10 टू 15 स्टेप्स दूर खड़ा कर देना है एंड उनसे कहना है कि बस स्पिन करे, बॉल को रिलीज करे एंड बिल्कुल ध्यान से खेलना है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है आपकी बैटिंग उतनी अच्छी ना हो यहाँ पर अगर आप बॉल के पिच तक पहुंच कर खेलोगे एंड थोड़ी सी भी अगर अच्छी बैटिंग होती है तो आई एम टेलिंग यू एक अच्छे विकेट में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करने लगोगे आप। ये बेसिकली किसी भी टेस्ट मैच का चौथा या पांचवा दिन वाला विकेट वाला फील देगा आपको। तो आपको आराम से खेलना है बॉल के पिच तक पहुंच कर, इसके आपको 30 रिपीटेशंस करने, दो सेट, ये दो सेट रहेगा, याद रखें इसको। सो चैंपियंस आपने देखा कि इस ड्रिल को किस तरह करना है एंड यही था हमारे आज का लास्ट ड्रिल और इसी के साथ हमारा ये बैटिंग सीरीज आज यहीं एंड होता है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपको कमिट कर रहा हूं, अगर आपने सच्चे दिल से पूरे बैटिंग सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपको एक महान क्रिकेटर, एक महान बैट्समैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये जो प्रैक्टिस है ये कोई ऐसा वैसा प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ही हाई लेवल प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आई एम टेलिंग यू, इस प्रैक्टिस सेशन का लोग हजारों लाखों चार्ज कर लेते हैं, पर भाई आप एक मॉडर्न डे क्रिकेटर हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आप तक सब कुछ फ्री लाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एंड ऑल्सो मैंने इस बैटिंग सीरीज का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है जिसमें मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारे वीडियोज ऐड कर दिए। आपको सिंपली हर दिन मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेलिस्ट में जाना है, टैप करना है, बैटिंग सीरीज को खोलना है एंड उस दिन के हिसाब से वो ड्रिल्स कर लेने हैं। सो बिल्कुल दिल लगाकर इस बैटिंग सीरीज को फॉलो कीजिएगा एंड शाम को होम वर्कआउट प्लान पर जरूर ध्यान देना जो कि मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक बना रखा है, आप प्रॉपरली उसे फॉलो करो एंड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको दिखने मिलेंगे आपके क्रिकेट में। दैट्स इट फॉर टुडे, होप तो बहुत ही बढ़िया लगा हो वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर मेरे साथ लाइव काउंसलिंग सेशन करना है, वन टू वन बैठकर अपने क्रिकेट प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है एंड उसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप जरूर से मेरे साथ वीडियो कॉल में जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर फॉर्म फिलअप करो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड बहुत जल्द आपका मीटिंग शेड्यूल कर दिया जाएगा। एंड ऑल्सो ये इस बैटिंग सीरीज का लास्ट डे है तो जरूर से सच्चे दिल से कॉमेंट करके बताना कि आपको ये पूरी बैटिंग सीरीज कैसी लगी एंड आप में से कितनों ने इस बैटिंग सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो चलो मैं लेता हूँ लीव, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव या व्लॉग वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।